नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर बलिया से, ब्राह्मण स्वयं संघ की बैठक। ब्राह्मण स्वयं संघ की एक बैठक दामोदरपुर में संगठन के आजमगढ़ मंडल प्रभारी ओम प्रकाश पांडे के दरवाजे पर संपन्न हुई, जिसमें संगठन के कार्यों और उद्देश्यों पर विस्तार से चर्चा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्री परशुराम के तैल चित्र के सामने दीप प्रज्वलन और पुष्प अर्पित करके किया गया। कार्यक्रम में संगठन के जिला अध्यक्ष ब्रिजेश दुबे रिंकू को भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष बनाए जाने पर उनका सम्मान भी किया गया। संगठन के उपस्थिति पदाधिकारी गणों ने रिंकू दुबे को अंग वस्त्र, पुष्प माला एवं भगवान परशुराम का चित्र भेंट करके सम्मानित किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव राजेश कुमार मिश्र ने कहा कि संगठन का उद्देश्य एक आदर्शवान समाज की स्थापना है। संगठन का आगामी कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि 17 तारीख को राजकिशोरी देवी प्रशिक्षण संस्थान पर खिचड़ी भोज एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। उन्होंने संगठन के सभी पदाधिकारियों एवं विप्रजनों से अनुरोध करते हुए कहा कि आप सभी आगामी 22 जनवरी को अपने अपने इष्ट देवता की पूजा करें, अपने घरों को दीप मालाओं से सजा एवं उत्सव मनाएं। बैठक में आजमगढ़ मंडल प्रभारी ओम प्रकाश पांडे, जिला उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश ओझा गोलू, अधिवक्ता प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रामजी चौबे, महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष प्रीति पांडे, जिला प्रभारी सोनी तिवारी, सत्येंद्र पांडे, रत्नाकर दुबे, सरोज दुबे, मनीष दुबे, रत्नेश पांडे, अतुल पांडे सहित तमाम पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। उपाध्यक्षता जिला अध्यक्ष रिंकू दुबे एवं संचालन जिला महासचिव विष्णु कुमार मिश्रा ने किया। न्यूज नाइन भारत से अमित तिवारी की खास। लीजिए, आप भी पहना दीजिए। बोलिए परशुराम जी भगवान की जय। जय जय। सुन रहे मंत्री को आशीर्वाद है। कौन मंत्री को? कहाँ से काम हुई? अरे आजकल के कहाँ से काम है, लोग खाली मोदी के नाम ले ले। अध्यक्ष जी, हम भी आपको कोई कार्य दिए थे, हुआ कि नहीं? देखी भैया, अरे देखो देखो, हसल करी, मुस्किए तो बढ़िया से इतना को तो देखी, बढ़िया से आशीर्वाद दी। रोगे सबसे मोटर वाले लोड़ा कल को अभी लोगों के पहुंचेगे ना को तो तुम उसके ये मराएगी तो मुन्ना या वाला करे कर दिया जाएगा। वीडियो भेजा और इनको और सामने आओ है ना, फोटो आओ तो ये लोग जा सके। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।